इराक में इन दिनों नोज ब्लीड फीवर यानी कि क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक बुखार के 111 मामले सामने आ चुके हैं। इससे 19 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक नोज ब्लीड फीवर से पीड़ित हर 5 में से 2 लोगों की मौत हो जाती है। मवेशियों और पालतू पशुओं के शरीर पर रहने वाले कीटों के इंसानों को काटने से ये रोग फैलता है। वायरस जनित इस रोग की अभी कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि अभी तक भारत में इसके मामले की पहचान नहीं की गई है, लेकिन इससे प्रभावित देशों की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीमारी से संक्रमित लोगों की नाक से खून भी आता है, जिसकी वजह से इसे नोज ब्लीड फीवर कहते हैं। बता दें कि ये जूनोटिक बीमारी है जो सिर्फ पशुओं में होती है। वायरस लोगों में या तो टिक के काटने से या जानवरों को काटने के दौरान संक्रमित जानवरों के रक्त या ऊतकों के संपर्क के माध्यम से फैलता है। संक्रमित होने के बाद व्यक्ति में लक्षण दिखने में करीब 3 दिन का समय लगता है। इसका संक्रमण 13 दिन तक रह सकता है। संक्रमित के शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं। इसके लक्षण में सिर दर्द, नाक से खून, तेज बुखार, पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, पेट दर्द और उल्टी शामिल हैं। मुख्य रूप से पशुओं में टिक के काटने से लोग संक्रमित होते हैं। मवेशियों को पालने वाले लोग और जिनके घरों में पालतू पशु होते हैं, उन्हें संक्रमण की आशंका ज्यादा रहती है। संक्रमित के खांसने और छींकने या खून से भी ये संक्रमण दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि टिक्स वाली जगहों पर जाने से बचा जाए। खुली जगहों जैसे पेड़ के नीचे या बगीचे में ना सोएं। आसपास जानवर होने पर कपड़ों को हमेशा झाड़कर पहनें और पालतू जानवरों की साफ सफाई समय समय पर करते रहें, जिससे उनके शरीर में टिक्स ना पड़े। नोज ब्लीड फीवर वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी रोकथाम सिर्फ एहतियात बरतने पर ही की जा सकती है। बता दें कि अभी तक भारत से इसका एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।